बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। हमारे न्यू ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने साथी हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना है सारे साथी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो दोस्तों ये है कल शाम की क्लिप, थोड़ी सी हमने ऐड कर दिया है क्योंकि यहाँ पर शाम का टाइम था और बारिश एकदम से आई थी ज़ोरदार। उसके बाद में वहाँ पर बाबू और उनकी दादी दोनों लोग लगे थे, वही बोरियां डालने में लगे थे क्योंकि बारिश में जब बोरियां पड़ जाती हैं तो कटता नहीं है, कई वीडियो में हमने बताया है, और इस वजह से डाल दी जाती हैं और बारिश ख़त्म हो जाए तो उसके बाद में उनको हटा दी जाएंगी। और भैंस भी चर के आ गई थी तो उसको भी बांध दिया गया था। तो दोस्तों ये है 23 जुलाई दिन रविवार की सुबह का टाइम है और यहाँ पर 4:30 बजे का टाइम है और हम जो है 4 बजे से काम में लगे हैं क्योंकि 4 बजे उठ कर के बाहर का यानी काम सारा हमारा हो गया था, यानी बाहर जाना आना तो वो वाला हो गया था। उसके बाद में आए थे तो हाथ पैर धो कर के झाड़ू लगाया और फिर हमने सोचा तो अब 4 बजे भी बहुत ज़्यादा उजाला हो जाता है और जब साफ मौसम होता है तो काफ़ी बदली वगैरह होती है तो फिर अंधेरा लगता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा उजाला हो जाता है। तो यहाँ पर हमने झाड़ू भी लगा दिया है और झाड़ू लगाने के बाद में साथ साथ में पोंछा भी लगा दिया है क्योंकि सुबह पोंछा लग जाता है। तो ये भीगी हुई उड़द की दाल है जो शाम को भिगो दिया था हमने सब्जी बनाने के लिए, क्योंकि आजकल सब्जियाँ तो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं तो फिर वही हमने सोचा दाल भिगो देते हैं और नई रेसिपी कुछ बना लेते हैं। वैसे तो हम बनाया करते हैं ऐसे ही और काफ़ी साथी हमारे बनाते होंगे, बिल्कुल सिंपल सी सब्जी बना करके तैयार की जाती है इसकी और बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगती है। तो देखिए अब दाल हमारी पीस चुकी है और अब पीस लेते हैं मसाला और बिल्कुल सिंपल तरीका है और ज़्यादातर सिंपल ही तरीके से सब्जियां हमारे घर पर बनती हैं। और तो यहाँ पर मसाला भी पिस चुका था और आ गए हैं यहाँ दाल में जो है ये दो तरीके के रखी हैं एक थाली में, तो एक में हमने हींग जीरा नमक मिला करके मतलब कि एक ही में पीस लिया था तो वही नमक मिला करके फेंट लिया है और एक तरफ जो है थोड़ी सी दाल यानी धोई बोलते हैं गाँव में, तो ये धोई जो है एक तरफ की रखी हुई है और एक तरफ की हम पकौड़ियाँ जो हैं बना रहे हैं। तो ये हमने थोड़ी देर के लिए रख दिया था ताकि हमारी पकौड़ियाँ बहुत ही सॉफ्ट नरम फूले फूले बने। तो ये देखिए गोल गोल बन करके तैयार हो रही हैं। तो इसी तरीके से हम सारी पकौड़ियाँ बना लेंगे, एक बार की पक चुकी हैं। उसके बाद में छौंका लगाएंगे, छौंके में मेथी और जीरा, उसके बाद में हींग डाल दिया है। अब डालेंगे मसाला जो सिलबट्टे पर पीसा था हमने। मसाला पकने के बाद में आलू डाल दिया है, इनको भी थोड़ा सा कल्हारेंगे। उसके बाद में ये जो थोड़ी सी धोई रखी थी हमने उसका पेस्ट बना करके डाल दिया है, इसी में थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। और अब जो है एक थाली से बंद कर देंगे इसको और पकने देंगे। तो 15 मिनट के बाद में देखिए आलू हमारी पक चुकी थी, उसके बाद में डाल दिया है ये पकौड़ियाँ और ये देखिए सब्जी बन करके 10 मिनट के बाद में, पकौड़ी डालने के बाद 10 मिनट और पकाया था तो ये सब्जी बन करके तैयार हो गई है। और अब बना लेते हैं एक पानी वाली रोटी बनाएंगे हाथों वाली, और जो बेलने वाली थी तो वो सारी हमने बना के रख लिया है क्योंकि एक ही रोटी आज बनाएंगे और सभी लोग खाना यानी गर्मा गर्म बन रहा था, खाते जा रहे थे, खा करके चले गए थे, तो अब जब खाएंगे तो थोड़ा लेट हो जाएगा तो ठंडी हो जाएंगी, इस वजह से एक ही बना रहे हैं और वो बनाने के बाद में हम खाएँगे बना करके, क्योंकि सभी लोग खा करके चले गए हैं अपने अपने काम पर। और खाना बनाने के बाद में हम आ गए हैं यहाँ, सबसे पहले अब बाबू को तैयार कर देंगे, इनको पैर में पहले तेल की मालिश करेंगे। और काजल तो बहुत ही शौक से लगवाते हैं और कभी कभी जो है थोड़ा ज़्यादा शैतानियाँ करने लगते हैं,
और इनको तैयार करने के बाद में सीधा लग गए हैं बर्तन धुलने में। तो देखिए बर्तन बहुत सारे हैं, तो हमने इनको मांझ के यानी कि रख लिया है और धुलने में थोड़ी सी वीडियो हमने शूट किया था क्योंकि इनको बर्तन धुलने में 1 घंटा लगा था। तो जब कोई होता है तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है, तो वीडियो शूट भी अच्छी हो जाती है, नहीं तो स्टैंड से बहुत ही बड़ी हो जाती है फिर, तो इस वजह से नहीं हमने शूट किया था। तो बर्तन सारे हमारे धुल चुके हैं और ये कढ़ाई रह गई है तो इसको भी धुल लेते हैं। और ये बाबू की सीसी थी उसको धुल लिया है और हाथ जो है ब्रश लगा के धुलेंगे। और फिर आ गए हैं यहाँ पर खाना खाने। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए, देखिए कितनी स्वादिष्ट लाजवाब लग रही है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और उसके बाद में यहाँ पर 1:30 बजे का टाइम है, तो ये सभी लोग जा रहे हैं खेत, तो वो लोग चले गए हैं इंजन और पानी लेकर के। और हमने ये शाम का खाना बना करके रख दिया है, 2 बज रहा है, जल्दी जल्दी से बना लिया है और इसको उठा करके अंदर रख देते हैं। और इधर बाबू के लिए, क्योंकि बाबू भी चले गए हैं, और इधर बर्तन पड़े हैं अभी, तो बर्तन हमने नहीं धोए हैं, ये इधर कुछ इधर पड़े हैं, कुछ यहाँ पर पड़े हैं। और काफ़ी टाइम हो रहा है और चलते हैं, नहीं तो जन आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो फटाफट बाबू के लिए भी सामान ले लिया है और चलते हैं खेत में, मिलेंगे आप सभी लोगों से। तो इंजन और पानी लेकर के वो दोनों लोग चले गए हैं, बाबू भी नहीं माने थे तो वो भी चले गए हैं साथ में। और हम यहाँ पर ले जाएंगे भेड़, तो मम्मी अब दरवाज़ा बंद करके भैंस को ढील करके लाएंगी और यहाँ पर भेड़ लेकर के पहुँचेंगे हम, और मम्मी दरवाज़ा बंद कर देंगी, उसके बाद में भैंस को लेकर के आएंगी, वो भी भैंसे यहाँ पर चरेंगी। तो हम आ गए हैं खेत, तो यहाँ पर ये इसको जो है थोड़ा थोड़ा धुल के दवा में इनकी जड़ें जो है भिगो करके लगाई जाती हैं। और वैसे तो हमारे खेत में घास बहुत ज़्यादा हो गई है क्योंकि जब सेले बनाने आए थे, तो दोस्तों जब खेत में काम होता है तब आते हैं और आप लोगों को शेयर करते हैं, और जब घर पर काम होता है तो घर की शेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब सेले हमने बनाया था यानी क्यारियाँ बनाई थी, तब घास नहीं थी, बढ़िया जुता करके बन गई थी। और उसके बाद में हम कह रहे थे 2-3 दिनों में जो है हमारी गेंदा की बेल लगेगी, लेकिन क्या है यहाँ पर धान जिनके खेतों में लगते हैं तो फिर जन नहीं मिले, इस वजह से नहीं लग पाई, तो लेट बहुत ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पर हमने दवाई जो है घोल बना करके रख दिया है, और ये इस तरीके से इंजन उधर चालू हो गया है क्योंकि वो लोग पहले ही आ गए थे। और ये अब थोड़ा सा बारिश हल्की हल्की हो गई थी तो यहाँ पर रेवा, जैसे नहीं बोलते हैं, रेवा गया है, तो इस वजह से पहले ही पानी लगाया जा रहा है। 1:30 बजे से वो लोग आ गए थे और काफ़ी ज़्यादा धूप है, देखिए लगा रहे हैं पानी। यहाँ पर हम जो है ये बेड़ को धुल के दवा में डाल रहे हैं उसकी जड़, और इनको लेने आए हैं, ये बहुत ज़्यादा रबदर बना रहे थे, पानी खेल रहे थे, तो यहाँ पर इनके हाथ धुला दिए हैं। और उसके बाद में तब तक आ गए हैं ये जन, तो वो लोग आ गए हैं। दोस्तों एक चीज़ बता दें, हम जन जो हमारे बेड़ लगा रहे थे उनकी वीडियो हमने नहीं शूट किया है क्योंकि ग्रामीण, बहुत ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ के लोग ज़्यादा अधिकतर नहीं जानते हैं, तो यही लोग कहते हैं कि मतलब ये क्या बना रही हैं, तो कहने लगी कि हम लोगों की वीडियो मत बनाना। तो जब उन्होंने मना कर दिया तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं है, वैसे तो चैनल हमारा है, हमको ही हम अपनी बनाएंगे, आप लोगों की नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर जो वो लोग मना ना करते तो थोड़ी सी वीडियो शूट करते, लेकिन उन्होंने जब मना कर दिया, और बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखी थी कि कहीं चुरा छिपा करके हमारी वीडियो बना ना लें, तो हमने कहा हम आप लोगों की नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ लगाई जाती है, और ये बरहा है, तो यहाँ पर वो लोग और ये ऐसी चीज़ दोस्तों है कि अकेले नहीं लगाई जा सकती है, और अकेले की बात नहीं है, ये भी है कि ये एक ही दिन में लगाना है, नहीं तो बेड़ ख़राब हो जाती है, इस वजह से जन करने पड़ते हैं, नहीं तो 2-3 दिनों का काम हो तो हम लोग घर में ही खुद कर लें, लेकिन वही है कि बेड़ ख़राब हो जाती है, और ये घर में हमारे यहाँ गाँव में नहीं होती है, बाहर से आती है, तो काफ़ी ज़्यादा महंगी भी मिलती है, इस वजह से बहुत ज़्यादा सोच समझ करके काम करना पड़ता है। वैसे तो अब की जो है लगाना नहीं चाहते थे हम लोग, क्योंकि इसके पहले की जो बारी एक बार हमने वीडियो शेयर किया था तो हमारे
थोड़े से साथियों ने देखा था, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद से वो बारी हमारी बहुत ज़्यादा खराब, बिल्कुल ख़राब हो गई थी, तो उसमें कुछ नहीं। तो फिर इसी वजह से अब कि हम लोग सोच रहे थे नहीं लगाएंगे, लेकिन फिर मन में आया कि लगा दो, नहीं तो जब नहीं लगाया जाएगा, पड़ा रहेगा, तो फिर जब जिस बार नहीं लगाएंगे तो उसी बार जो है सोचना पड़ेगा। तो फिर लगा दिया गया है। तो यहाँ देखिए कुछ इस तरीके से लगाई जाती है और हम लगा रहे हैं फटाफट। तो यहाँ पर लगाए जाते हैं गेंदा, और हमारे मायके में नहीं लगाए जाते हैं, यहाँ पर लगाए जाते हैं। लेकिन तो दोस्तों, जैसे जैसे खेतों का काम होगा वैसे वैसे हम यहाँ का भी शेयर करेंगे। तो बेड़ हमारी लग चुकी है, अब चलते हैं बाबू के पास क्योंकि वो बुला रहे हैं। तो दोस्तों बेड़ तो लग गई है और अब चलते हैं घर। और अब ये जो है 6:15 का टाइम है, अभी भी धूप है, और अब चलते हैं घर। तो देखिए दोस्तों लग गई है पेड़, अभी दिख नहीं रही है। तो यहाँ मम्मी जा रही है तसला लेकर आगे आगे, और हम यहाँ पीछे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जब अकेले होते हैं वैसे शर्म तो हमको नहीं लगती है, क्योंकि हम जो काम करते हैं तो अच्छे से कर लेते हैं। फिर आ गए हैं यहाँ पर घर। तो बाबू के हाथ पैर धुल गए, हाथ पैर धुल के बर्तन भी धुल लिया था, और नहा करके कपड़े भी फैला दिए। ये बाहर काफ़ी टाइम हो गया है, अब चलते हैं चौके की पुताई कर लेते हैं। लेकिन गांव की वजह से ना कुछ सोचना पड़ता है कि सभी लोग देखते हैं कि ये क्या कर रही हैं, और फिर बहुओं को तो और ज़्यादा सभी लोग देखते हैं, तो इस वजह से हमने थोड़ा सा नहीं बोला था। और फिर यहाँ पर नहा धो कर के आ गए हैं चौके की पुताई करने। तो दोस्तों वीडियो ज़रा सा भी पसंद आ जाए तो प्लीज़ जाते जाते एक लाइक ज़रूर कर देना। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें ताकि मेरा भी थोड़ा सा सपोर्ट हो सके। तो बातों बातों में चौके की भी पुताई हो चुकी है, और इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड। हमारे माता पिता, बड़े भाई बहन को तहे दिल से नमस्ते, छोटों को ढेर सारा प्यार, खुश रहें।